हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। श्याम रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाते हैं गर्मा गर्म एकदम पिज्जा पराठा, बिल्कुल पिज्जे के टेस्ट वाला। जब भी पिज्जा बनाने का टाइम आपके पास ना हो तो फटाफट से आप ये पराठा बना करके खा सकते हैं, जो कि पिज्जे का टेस्ट ही देगा एकदम से। ये लिए हमने शिमला मिर्च, भुट्टे के दाने और ये प्याज है एक बारीक कटा हुआ, और ये है हमारे चीज़ क्यूब्स। इसकी जगह पे आप मोजरेला चीज़ भी ले सकते हो। आटा हमने लगा के रख लिया है। चलिए पराठे को भरने के लिए हम मिक्सर तैयार करते हैं। हमने ये शिमला मिर्च, प्याज और भुट्टे के दाने तीनों को हम मिला करके मिक्स करेंगे अच्छे से, ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो अच्छी सी बढ़िया सी रेडी हो जाए। ये अभी हमने कच्चे ही लिए हैं तीनों चीज़ें, क्योंकि जब हम हल्का हल्का आँच पे हम पराठे को सेकेंगे तो सब चीज़ें आसानी से सिक जाएगी। ये डाला है हमने मिक्स हर्ब्स ऑरिगैनो, और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अगर आपके पास रेड चिली फ्लेक्स है तो वो भी डाल सकते हैं। टेस्ट के अनुसार डाला है हमने नमक, और हमने जो चीज़ क्यूब लिए हैं उसको हम ग्रेट कर लेंगे। अगर आपके पास मोजरेला चीज़ है तो उसको ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऐसी की वैसी आप डाल सकते हैं। ये डाला हमने थोड़ा सा पिज्जा सॉस। अब हम अपने हाथ से अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स करके बढ़िया सा मिक्सचर बना लेंगे। जब तक वीडियो हमारी चल रही है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिक्सर हमारा रेडी हो गया है। चलिए अब हम इसे बनाते हैं, और लोहे के तवे पे ही बनाएंगे, कोई नॉन स्टिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने लिया है आटा, जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा आटा लेंगे, क्योंकि रोटी पतली बनती है और हमें स्टफिंग भरनी है, और वो भी कच्ची वाली। अगर पतला आटे की रोटी बनाएंगे भरने के लिए तो फिर वो ज़्यादा फटेगा, हमें इतना नहीं फाड़ना है। मिक्सचर भर के हम इसको हल्के हल्के हाथ से बेल लेंगे, और ये जो हल्का हल्का ये फट रहा है ना, ऐसा फटना भी चाहिए, क्योंकि जब भी हम पराठा बनाते हैं, अपनी अपनी सोच है, मेरे को फूला हुआ पराठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हल्का हल्का जहाँ से कटा हुआ रहता है वहाँ से वो हल्की आँच पे जब सेकते हैं तो क्रिस्पीनेस जो आता है पराठे में, वो तो मतलब पराठे की जान होती है। मेरे को तो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है क्रिस्पी पराठा। फूला हुआ पराठा एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, वो मज़ा नहीं आता खाने में। ये देखिए, अब हम इसको पलट लेंगे। हम इसको बटर से सेकेंगे, अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पूरे पराठा सेकने में आपको आँच को तेज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब भी आँच अगर तेज़ कर लोगे तो पराठा तो हमारा गोल्डन हो जाएगा ऊपर से, पर अंदर की जो स्टफिंग है वो एकदम कच्ची सी हो जाएगी, और पराठा हमारा सीकेगा भी नहीं, वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए पूरे प्रोसीजर में आप गैस को मीडियम ही रखना, बिल्कुल स्लो पे, और दोनों तरफ से हम बटर लगा के इसको उल्टा पलटी कर करके गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। क्योंकि जैसे ये हमने पराठा बेला था, जहाँ से थोड़ा थोड़ा ऐसा ये कट लगे थे ना भुट्टे के दाने के, तो वहाँ से पराठा सीक करके ऐसा क्रिस्पी बनेगा ना, एकदम से खा के मज़ा ही आ जाएगा। और इस गर्मा सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म अगर पराठा पिज्ज़ा मिल जाए तो बात ही क्या है। शाम के टाइम पे जैसे ही 5 बजे के आसपास भूख लगती है, तब बना करके आप ट्राई करें, क्या मज़ा आएगा, और कितना बढ़िया उसका टेस्ट आता है मुंह में, एकदम पिज्ज़ा खाना ही भूल जाओगे। ऐसे लगेगा कि जल्दी बन फटाफट बन के, अगर पिज्जे का टेस्ट हमें पराठे में मिल रहा है तो हम क्यों ना पराठा ही बनाएं, तो वही टेस्ट मिलेगा आपको, मेरी गारंटी है। ज़रूर बना करके ट्राई करें। ये पराठा हमारा दोनों तरफ से उल्टा पलटी करके हमने सेक लिया। ये देखिए जो निशान बने ना बीच बीच में, यकीन मानिए जब बनाओगे तभी आप इसको खा के बता पाओगे, नहीं तो मेरे बोलने से तो आपको नहीं समझ में आएगा। ये हमने डाल दिया है उसके ऊपर पिज्ज़ा सॉस, और थोड़ा सा डालेंगे हम इस पर चीज़ घिस के। अगर आपके पास मोजरेला वाली है तो वैसे की वैसे डायरेक्टली वो डली जाएगी, तो इससे ऊपर से थोड़ी सी जरूर डालिएगा, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा मतलब एकदम मज़ा आ जाता है खाने में टेस्ट का। अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। अगर आपको नहीं करना तो आप ऐसे कैसा भी खा सकते हैं, पर हम जब पिज्ज़ा पराठा ही बना रहे तो पिज्जे वाला ही लुक क्यों ना दे उसको, और पिज्जे के जैसा ही स्लाइस उठा उठा के क्यों ना खाए। तो इसलिए बहुत टेस्टी सा पराठा ये बन करके रेडी हो गया है, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। आप बना करके ज़रूर ट्राई करें और खाइए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, और वीडियो को चैनल और लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, जय श्री श्याम, धन्यवाद।